अलीगढ़ एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी में पढ़ रहे दो छात्रों में मामूली कहासुनी को लेकर हुई बहस। बहस के बाद एक छात्र ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर छात्र पर किया चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में छात्र को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लाइब्रेरी से निकलते वक्त गेट पर किया हमला। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी है। घायल छात्र इंटर पास करने के बाद नीट की तैयारियों में जुटा हुआ था। सिविल लाइन थाना इलाके के एमएसयू कैंपस की घटना प्राप्त हुई है कि जानकारी के अनुसार जेएन मेडिकल कॉलेज के मेंटेनेंस विभाग में कार्यरत मोहम्मद हनीफ का बेटा सोहेल एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी में देर रात पढ़ रहा था। इसी बीच अनवर नाम का एक दबंग युवक आ गया और लाइब्रेरी में तेजी से बोलने लगा। तेजी से बोलने का सोहेल ने विरोध किया। इसी बात से नाराज आरोपी ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। सोहेल पढ़ाई करने के बाद जैसे ही मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाहर निकला तो आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना पर मौलाना आजाद लाइब्रेरी में पढ़ रहे अन्य छात्र मौके पर पहुंच गए और आनन-फानन में सोहेल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए। घायल छात्र के पिता हनीफ ने नाम दर्ज अनवर सहित चार अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। हालांकि अभी तक पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में तमाम सुरक्षा होने के बावजूद भी अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। इससे पहले भी कैंपस में 3 लूट की वारदात हुई है। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस की घटना बताई जा रही है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, एक लड़का आया, वो कुर्सी किसी लड़के का वो बैग फेंक दिया उसने, उससे बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा यहाँ पर शोर मत करो भाई, बाहर चले जाओ। तो कहने लगा तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। बट वो मुझ पर चढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा गाली वाली बकने लगा। लाइव MR में ही उसमें हॉल में सब कहने लगे बाहर जाओ बाहर जाओ। अब मैं फिर पढ़ने लगा तो कहने लगा अभी मैं लड़के बुला के लेके आ रहा हूँ। जब वो लड़के बुला के लाया बाहर तो जो बैरियर होता है ना, तो वहाँ पर वो फिर मेरे पे चढ़ने लगा। एक मेरे पारस भाई है, पारस भाई को मैंने बुला के लाया तो वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ के आ गया और उसने हाथ तपाई स्टार्ट कर दी। नशे में लग रहा था वो। कौन था वो, क्या नाम था? उसका नाम अनवार, अनवार मेरे सुनाई में आ रहा था, अनवार। अच्छा। और उसके में ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कोई चाबी है, पता नहीं क्या था। उसने बहुत तेज़ मतलब हाथ पैर चलाने लगे और मुझे पता नहीं लगा कि अब मेरे ये इंजरी हो गई। लाइब्रेरी में हुई थी? जी, लाइब्रेरी जो बैरियर जो है जस्ट बाहर। अच्छा। पार्किंग के पास। तो आप किस क्लास में? मेरा इंटर हो चुका है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सोहेल अनीफ। अच्छा, वो लोग फरार हो गए कभी भी? जी, जब ही भाग गए। तो वो इसमें कोई टीम प्रैक्टर किया कुछ मौजूद रही? नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं। अच्छा। तो कुछ चाकू वाकू मारा, क्या मारा? ये मुझे पता नहीं क्या चाकू था या कटर था, वो किससे मारा मैं। कितने लोग थे तकरीबन? 4-5 लोग थे। किस तरह घटना हुई, क्या हुआ? स्टूडेंट है, पढ़ने गया था। अच्छा। लाइब्रेरी में बोला लगा, लाइब्रेरी पढ़ रहा था, कुछ लड़के अज्ञात लोग को छेड़छाड़ करने लगे। इसने मना किया शोर मत करो, शोर करने मना करने के बाद बाहर आके तो चाकू हमला कर दिया। किस क्लास के छात्र थे? बीटेक की, वो उसकी नीट की तैयारी कर रहा है। क्या नाम है? सोहेल, सोहेल है। अच्छा। तो घटना क्या बजे की हुई है? तकरीबन लगभग 4 बजे। अरे, कोई पता लग पा रहा क्यों चाकू वाकू मार के? कुछ वो मतलब उसने मना किया था कि शोर मत करो, मुझे पढ़ने दो, इसी बात पर कहानी चल रही है। लाइब्रेरी में हुआ है? बाहर निकल के आया जब इसका हमला कर रहा है। कौन लोग, पता लग पा रहा है? हाँ, पता लगी, अनवर नाम का लगा है। अच्छा। और उसके 3-4 साथी हैं। तो इसके पुलिस में शिकायत करी? हाँ, पुलिस में शिकायत कर दी। अब इसके चोट लगी, क्या स्थिति, कितनी जगह चाकू मारी? 4-5 जगह चाकू मारा। अब स्थिति क्या है? स्थिति अभी ड्रेसिंग हो गई है। कौन सी जगह है? इस जैन मेडिकल कॉलेज। आपका क्या नाम? मीना भाई। सर, कौन है आपकी?